बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी इज पैराफिन वैक्स। ये एक टाइप का जो है वो प्रेटस दिखाया हुआ है। ओके, अब इसमें सबसे पहले है मेथड। पैराफिन वैक्स क्या होती है? बेसिकली पैराफिन वैक्स जो है, डिफरेंट वैक्स जो है अवेलेबल है, डिफरेंट अपरेटस है, डिफरेंट साइज़ के हमारे पास अपरेटस मौजूद हैं। अब वो डिफरेंट साइज़ के ऑपरेटर्स किस तरह से हैं कि हमने जिस भी पार्ट को ट्रीट करना है उस पार्ट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे पास डिज़ाइंड हैं। अब इसका मेथड ये है कि जो हमने पार्ट ट्रीट करना है उसको हम क्लीन करेंगे और फ्री कर देंगे किसी भी कट से, रैशेज से या इन्फेक्शन से। उसके बाद जिस पार्ट को हमने ट्रीट करना है अकॉर्डिंगली पेशेंट जो है उसको पोजिशन कर देंगे और साथ ही टाइप ऑफ वैक्स पार्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे पार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन ये देनी है कि आपने अपना जो पार्ट है इसको वैक्स बाथ के अंदर डिप करना है, बाहर निकाल देना है, फिर डिप करना है, फिर बाहर निकाल देना है। कब तक? तब तक रिपीट करना है जब तक आपकी स्किन के ऊपर वैक्स की एक थिक कवरिंग जो है, मोटी तह नहीं जम जाती। इसमें बेसिकली 4 से 6 इमर्शंस जब हम इसको निकालते हैं फिर डालते हैं वैक्स में, तो यूजली 4 से 6 टाइम जब ये अमल करते हैं तो एक थिक कोटिंग जो है वैक्स की वो स्किन के ऊपर सेट हो जाती है। अब वैक्स क्या करेगी? स्लो हीट जो है वो देगी हमारे स्किन को, और जैसे ही जो है हम इसको रिमूव कर देंगे पार्ट जो है कूल हो जाएगा फ़ौरन से ही। अब हीट को रिटेन करने के लिए कि हीट जो है पार्ट के अंदर रहे, हम क्या करेंगे? जो हमारा पार्ट है जिसको हमने ट्रीट करना है उसको प्लास्टिक शीट से या ग्रीस प्रूफ पेपर या टॉवल के मदद से रैप कर देंगे आफ्टर रिमूविंग वैक्स, ताकि उस पार्ट की हीट जो है वो लॉस ना हो जाए। ये जैसे यहाँ जो है आफ्टर रिमूवल ये क्या कर रहे हैं, ग्रीस प्रूफ पेपर जो है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि इस पार्ट की जो हीट है, जो वो हीट जो हमें इस थेरेपी के बाद मिली है वो ज़ाया ना हो जाए। इस ट्रीटमेंट का टाइम क्या होगा? 20 मिनट होंगे। इसके बाद जो है हमने टॉवल रिमूव कर देना है, वैक्स ग्लव जो भी यूज़ किया है वो रिमूव कर देना है। हमने जो है वैक्स को फ्लोर के ऊपर नहीं गिराना या कहीं भी ड्रॉप नहीं करना। क्यों? क्योंकि वैक्स गर्म होगी तो किसी भी किस्म का जो है वो हार्म हो सकता है। वैक्स को रिमूव करने के बाद हमने एरिया खुश करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, और जो वैक्स हमने रिमूव की है उसको रीमेल्ट करेंगे, छान लेंगे, दोबारा से वैक्स बाद जो है उसमें डाल देंगे अगेन यूज़ के लिए। इफ़ेक्ट्स और इंडिकेशंस देखें तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्किन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है ज़्यादातर, और कम जो है सुपरफिशियल टिश्यूज़ जो हैं उनका टेम्परेचर भी हल्का सा इंक्रीज़ कर जाता है। टेम्परेचर जो है 20 मिनट के बाद जो है ये जैसे ट्रीटमेंट ओवर होता है ड्रॉप कर जाता है, वापस नॉर्मल पे आ जाता है। अब इसके कौन कौन से हमें इफ़ेक्ट्स मिलते हैं? सबसे पहले सर्कुलेटरी इफेक्ट है, उसके बाद सेंसी नर्व्स पे इफेक्ट है, देन वी हैव इफेक्ट ऑन स्किन। वन बाय वन ये देखते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी इफेक्ट। अब सर्कुलेटरी इफेक्ट क्या होगा? लोकल हाइपरीमिया होगा, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, रिफ्लेक्स वैसोडाइलेशन होगी, उसके साथ जो है न्यूरोवैसोडाइलेशन हो सकती है क्योंकि वहाँ जो है वैसोडाइलेटर रिलीज़ होगा, जैसे ब्रैडीकाइनिन 1 पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड भी एक्टिवेट होंगे, उसकी एक्टिविटी की वजह से जो है ये रिलीज़ होगा। सेंसी नर्व्स पे हमारा क्या इफेक्ट है? माइल्ड हीटिंग जो है वो सिडेटिव इफेक्ट देती है हमारे सेंसी नर्व एंडिंग्स के ऊपर। वैक्स को हम मोल्ड कर सकते हैं अपने फीट के कंटूर के अकॉर्डिंग, इसलिए इसकी वैल्यू होती है कि हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है, ताकि उनकी पेन, दर्द और उनका जो मसल स्पैज़म है वो कम कर सकें। फिर इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन मॉइस्ट होती है, प्लायबल होती है वैक्स के एप्लीकेशन के बाद, इसलिए जो भी एडिजंस वगैरह होती हैं और स्कार्स होते हैं उसको हम तोड़ सकते हैं बिफ़ोर के हम उस एरिया को जो है वो मोबिलाइज करें या स्ट्रेचिंग दें। हमने देखा है कोई एरिया है वहाँ स्कार्स हैं, वो ब्रेक नहीं हो रही हैं, डीएनएस जो हैं ब्रेक नहीं हो रही, हम क्या करेंगे? हम वैक्स थेरेपी देंगे। वैक्स थेरेपी से क्या होगा? हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, डीएनएस ब्रेक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, हम वहाँ जो हैं वो मोबिलाइज कर देंगे और स्ट्रेचिंग कर देंगे आफ्टर वैक्स थेरेपी। किसकी जगह पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ओपन वुंड्स के केस में, एलर्जिक रिएक्शन के केस में, अगर स्किन कंडीशन है कोई भी हैंड्स की, अगर एरिया की सप्लाई या ओवरऑल जो है बंदे की सप्लाई डिफेक्टिव है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जिसमें डीवीएम थ्रोम्बोसिस भी आ सकता है और वेरिकोज वेंस भी हैं, तब भी हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हीट मिलेगी,
पर्सन को पता ही नहीं चलेगा ओवर हीटिंग की वजह से उसको जो है, और दूसरा ये कि वैसोडाइलेशन होती है तो वो उसके हार्मफुल हो सकती है और हमारी स्किन की सेंसेशंस इम्पेयर हो जाएंगी। दैट्स इट, थैंक यू।